नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और टीवी प्रजातंत्र के खास कार्यक्रम इनसे मिलिए में आज के हमारे मेहमान हैं दरौदा विधानसभा उपचुनाव में जदयू के तरफ से उम्मीदवार बनाए गए अजय कुमार सिंह। अजय कुमार सिंह की पहचान सिर्फ एक प्रत्याशी के तौर पे नहीं है, एक ऐसे मोटिवेटर के तौर पे सिवान में है जिन्होंने पहले अपनी माता को वहां से विधायक बनाया, फिर उनकी पत्नी विधायक बनी, फिर उनकी पत्नी सिवान से सांसद भी हैं और पुनः पार्टी ने इनके ऊपर अपना विश्वास जताया है। आइए जानते हैं अजय सिंह जी से इनके जीवन के कई अनछुए पहलुओं को और साथ ही साथ दरौदा विधानसभा उपचुनाव में किस नए मुद्दे को लेकर ये जनता के बीच में जाएंगे। अजय जी, सबसे पहले टीवी प्रजातंत्र पर आपका स्वागत है और आप चुनाव में जा रहे हैं और संभवतः यह पहला विधानसभा चुनाव होगा जो आप खुद लड़ने जा रहे हैं, कैसा अनुभव लग रहा है? देखिए, विधानसभा चुनाव लड़ने का तजुर्बा बहुत दिनों से है और बार बार लड़ते आए हैं। पहले मैनेजमेंट संभालते थे, अब प्रचार भी करेंगे, मैनेजमेंट संभालेंगे, दोनों संभालने का मौका मिलेगा और मेरी पत्नी भी MP है, प्रचार संभालेंगे हम दोनों मिलकर के और सारे हम पूरे परिवार में लंबा फैमिली है, लंबा लाइन है, हम 5 भाई हैं और मेरे भाई भतीजे भी हैं और सारे लोग हैं और पूर्ण रूप से सभी को मिलकर के जनता का सेवा करते हैं। कोई पानी पिलाता है, कोई खाना पिलाता है, कोई चिट्ठी लिखता है, कोई रैली करता है, कोई क्षेत्र में नेता करता है और कोई लोगों का सहयोग करता है। इस तरह के काम हम लोग बांट करके करते हैं और क्षेत्र के जनता की सेवा ही हम लोग का कर्तव्य है, यही हम लोग अपना कर्तव्य मान चुके हैं, यही अपना धर्म मान चुके हैं। जब दिल्ली के महापंचायत में अपनी पत्नी को वहां की जनता ने पहुंचा दिया तो फिर अजय सिंह जी को ही क्यों बिहार के महापंचायत में आना चाहिए, दूसरे नए लोगों को मौका क्यों नहीं? देखिए, सभी लोग चाहता है मेरा घर का चौकीदार ईमानदार हो और उसी ईमानदारी के सिलेक्शन में हम लोगों की सिलेक्शन होती है। जब सभी लोग इस करप्शन की दुनिया में नेता बनना चाहता है और हम लोग नेता के पीछे भागना चाहते हैं, इसलिए कि हम ईमानदारी से काम करते हैं और ईमानदारी से अथक मेहनत करके सेवा करते हैं। तो लगता है कि अब थक गए हैं, तो लगता है कि अब थोड़ा सा आराम करें, लेकिन जनता कहती है कि नहीं जाने देंगे, ऐसा ईमानदार चौकीदार कहाँ मिलेगा, इसलिए बार बार मौका देती है जनता और इस बार वही हुआ है। हमारी ईमानदारी का परिणाम है ये कि फिर से लोगों ने कहा नहीं नहीं आप तो आप आइए, जनता की मांग है और उस मांग को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के और माननीय रामविलास पासवान जी, सुशील कुमार मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, इन सारे लोगों ने सिवान के जनता को समझा, उनकी आवाज को सुना है और सुन करके मुझे प्रत्याशी बनाने का फैसला लिया। अजय सिंह क्या है? लोग जानना चाहते हैं कि अजय सिंह एक रॉबिन हुड छवि वाले बहुत बड़े बाहुबली हैं, राजनेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं या अजय सिंह एक प्रवक्ता हैं, आप आजकल बहुत अच्छे अच्छे प्रवचन करते हैं, तो लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर अजय सिंह हैं क्या? अजय सिंह एक गरीब का बेटा है जिनकी न माता जी है न जिनके पिताजी और एक शून्य जो स्थिति होती है उस शून्य स्थिति से अजय सिंह अपने आप को यहाँ तक खड़ा किया, ईश्वर के कृपा से और माता रानी के कोख से पैदा हुए और उनके उनके ही देख रेख में पले, उनके संस्कारों के तले संस्कार मिला, वही अजय सिंह का एक मुझी था, उसी को लेकर के अजय सिंह चला था और आज अजय सिंह के इतने दुश्मन हो गए हैं, आप समझ सकते हैं एक आदमी का दुश्मन इतने लोग क्यों हो जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी का दुश्मन इतने लोग हो गए, सारी पार्टियां देश के नरेंद्र मोदी जी के दुश्मन हो गए। आज दरौदा का वही हाल है जो दरौदा में सभी लोगों के गिरगिरी हम हैं, सभी लोग हम ही को चोर कहता है, बदमाश कहता है, बाहुबली कहता है, क्यों कहता है? इससे मिलाने की जरूरत है कि हम एक चोर हैं और सारे ईमानदार हैं, वहां क्यों हम ही पर क्यों लोग गिरे रहते हैं? हमारी अपनी पहचान है, मैं राष्ट्र मैं राष्ट्र के प्रति समर्पित हूँ, मेरा जीवन राष्ट्र के प्रति समर्पित है, मेरा जीवन का एक एक पल जो है जनता की सेवा के लिए समर्पित है और मैं 200 वर्ष जीने नहीं आया, मेरी 10 दिन की जिंदगी होगी तो जनता की सेवा में गुजरेगी, मेरे
दैनिक जीवन का लक्ष्य है और इसी लक्ष्य को लेकर के चलते हैं। और हमारे नेता कहते हैं कि कफन में जेब नहीं होता, मुझे भी पता है कि कफन में जेब नहीं होता, उस तरह की कोई भावना नहीं। हमने 15 साल से MLA हमारे परिवार में रहे हैं और 15 साल से मिले रहने के बावजूद मेरा अपना गांव में भी कहीं नहीं बना है, यही मेरी पहचान है। नहीं, घर आपका नहीं बना, लेकिन आपकी पत्नी विधायक थी, सांसद बन गई, तो लोगों को जलन होगी कि आप चूंकि सबसे जूनियर सिवान की राजनीति में जितनी तेजी से आप उभरे हैं, दरौदा आपका एकदम पारिवारिक सीट हो गया, माता जी रही, पत्नी रही, फिर अजय सिंह बनने जा रहे हैं, सिवान जैसे संसदीय क्षेत्र में पहली बार जदयू को आपने जीत दिलाई है, जदयू वहां से कभी नहीं जीता था, नीतीश जी कई बार नृसिंह पटेल पर दाव लगा चुके थे और बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता थे आपके पार्टी के, आपने जीत कर दिखाया है, तो क्यों आपके क्षेत्र की जनता जो है आपको MP बना दी, आपको पहले विधायक बना चुकी है, अजय सिंह को दरौदा की जनता क्यों वोट दे? क्योंकि दरौदा की जनता तो बराबर वोट देती है, अच्छा एक नई कुरकुरे दे रही है जी, और अजय सिंह की ईमानदारी का जो फल है वही वहाँ की जनता देती है, और MLA बना दे, MP बना दे, और जो जो बनाना है जनता बनाती है, उसमें मेरा क्या है? मेरे तो एक ही है, जनता जो बनाती है जिस भाव से, जिस काम के लिए, वो काम ईमानदारी से कर देते हैं, यही मेरा अपना बस है। और जनता के बस की बात है जिताना हराना, वो जनता जिताती है, जनता हराती है, इसलिए हम लोग अपना काम करते हैं, जनता अपना काम कर देती है, तो भाई हम लोग को जो टिकट मिलता है वो जीत करके आ जाते हैं, और जीत करके जनता वहां की जिता देती है, तो बताइए मेरा उसमें क्या लगता है? जितना चुनाव हम लड़े हैं 1 रुपया मेरे घर से लेकर, सभी जनता देती है, वोट जनता देती है, पैसा जनता देती है, सब देख करके अपना सेवक चुन लेती है। हम 5 साल करके सभा देते हैं, मेहनत करके काम करके सभा देते हैं, और दरौदा एक रोल मॉडल है। सभी लोग कहता है दरौदा में क्या हुआ है, अभी तो जितने प्रत्याशी आए हैं सब कहते हैं दरौदा में कहाँ विकास हुआ है, दरौदा में नहीं विकास हुआ, आप खुल करके देखिए ना, वहाँ दो दो पॉलिटेक्निक बन रहा है, एक ITI बन रहा है, एक दो दो ITI बन रहा है, एक पॉलिटेक्निक बना है, एक ANM JNM स्कूल बन रहा है, कॉलेज बन रहा है, बड़ा सा मंडल अस्पताल उन लोगों ने बनवाया है, बड़ा सा एक और हसनपुरा में अस्पताल बनवाया है हमने, दरौदा में हम सामुदायिक अस्पताल बनवाए हैं, और चैनपुर का अस्पताल बनवाने जा रहे हैं, एक नंदामुरा में अस्पताल बन रहा है, इस तरह के हम काम कर रहे हैं, 1000 रोड बनवा रहे हैं, सारे रोडे चकाचक कर दिए हैं, 2-4 रोड छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे रोड फिट है, इस तरह के हमने गांव गांव में बिजली पहुंचवाया है, हमने सभी खेतों में बिजली पहुंचा रहे हैं, चुनाव का समय है तो विकास तो नजर आ रहा है इस क्षेत्र में। फिर आपके जो पूर्व सांसद हैं, आप ही के महागठबंधन, आपका जो NDA गठबंधन है उसी से वहां 2 बार वो भी सांसद रहे, ओम प्रकाश यादव, कल उनका एक बड़ा ही रोचक सा विवादास्पद सा एक बयान आया कि मैं अजय सिंह को दूसरा शहाबुद्दीन नहीं बनने दूंगा, जबकि वो लोकसभा चुनाव में आपके साथ थे, उनकी पार्टी आपके साथ थी, ऐसा क्या कुछ हो गया कि आपने उनको शहाबुद्दीन नजर आ? देखिए उनका करना अच्छा है, वो शहाबुद्दीन उनको नहीं, मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं जीवन में कभी शहाबुद्दीन नहीं बनूंगा, शहाबुद्दीन को हमने मिटाया है तो शहाबुद्दीन कैसे बन सकता, और मैं जीवन में मेरी कल्पना नहीं है कि मैं शहाबुद्दीन बनूं, मेरा हुकूमत चले, मैं जो कहूँ सो ही हो, ऐसा मैं जीवन में नहीं बनने वाला। वो अच्छी बात कर रहे हैं, और कुछ बातें जो कह रहे हैं वो उनका हताशा का कारण जो बोल रहे हैं, उनको तो लग रहा है कि हम 10 साल से सांसद थे, उनको अपने व्यवहार में झांकना चाहिए कि उन्होंने पहली बार वाजपेयी जी और अडवाणी जी के नाम पर वोट लिया, संघ के लोगों ने मदद किया जिसके वजह से उन्होंने वोट लिया, और वोट ले जाकर के संघ के वोटों को और वाजपेयी जी के और अडवाणी जी के नाम पर पाए हुए वोटों को किसके गोद में ले जाकर, कितने करोड़ अरब रुपया लेकर के कांग्रेस के गोद में ले जाकर, तो उसी शहाबुद्दीन के समर्थक पार्टी के गोद में ले जाकर के दे दिया उन्होंने वोट, और 5 साल कांग्रेस के राज में मलाई मारे पूरे 5 साल, और फिर पता नहीं बीजेपी फिर टिकट उनको दे, टिकट दे दी तो नरेंद्र मोदी जी के नाम पर फिर चुनाव जीत कर ले चले गए। अब तो भाई जनता वहां के जान गई, तो इस बहुरुपिया है अपने मुंह से इस चुनाव में कह रहे थे जब हम तो चुनाव जीतने वाले नहीं थे, हमने अपने तरफ से कुछ लोगों को लगा करके कहा जो मुसलमान लोग कहते हैं कि हीना नहीं तो जीना नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, र्यूमर फैला करके चुनाव जीत गए,
वो अपने मुंह से कह रहे थे चुनाव में जीना नहीं तो जीना नहीं, ऐसा हमने रिमत फैलाया पूरे खून पर फैला करके और जनता को गुमराह करके हम चुनाव जीत गए। अब जनता गुमराह नहीं हो, हमने कहा था कि हमको गुमराह करके जीतना नहीं, हम अपनी सही बात रखेंगे, जनता चुनेगी तो ठीक है नहीं चुनेगी तो ठीक है। लेकिन उन्होंने तो फ्रॉड करके चुनाव जीता और फ्रॉड करके चुनाव जीतने वाला आदमी दूसरे को अनाप शनाप करता, ये दिवालियापन है पूरे पूरे और कुछ नहीं। अजय सिंह सिवान के किंग होंगे, किंग मेकर होंगे या और कुछ? हमने अपनी माता जी को मिले बनाए, पत्नी को मिले बनाए, जनता के सहयोग से हमारे क्षेत्र की जनता दरौगा के लोग लगे और सिवान के लोग लगे तो पत्नी भी अच्छी बनाते आए हैं हम लोग जनता के सहयोग से। अब जनता के पाले गेंद है फिर हम जनता के बीच में आए हैं हम लोग, जनता जो करेगी स्वीकार। यह है अजय कुमार सिंह और जैसे इनसे बातचीत करने को लग रहा है कि पूरी तरह से पूरी तैयारी में है, चूंकि लोकसभा का चुनाव जीते हैं और दरौदा इनकी कर्मस्थली रही है और इनके परिवार, इनकी माता जी पहले वहां से विधायक थी, उनके निधन के बाद इनकी पत्नी वहां से दो बार विधायक बनी और फिर इन पर ही पार्टी ने दाव लगाया है और लगता है कहीं ना कहीं से इनकी जो लोकप्रियता है जो अभी लोकसभा चुनावों में दरौदा से इनको जो लीड मिली थी वो और बढ़ेगी और विरोधियों पर भी ये काफी सधे हुए शब्दों में निशाना लगा रहे हैं, किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं और आने वाले राजनीति में जो राजनीति होती है संभावनाओं से भरी होती है। अजय सिंह ने आज अपना एक दूसरा ही रूप मीडिया के सामने रखा है। मिलेंगे किसी अन्य शख्सियत से इसी चैनल पर इसी कार्यक्रम में, तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।